भारतीय और ऑस्ट्रेलिया सेनाओं के बीच में द्विपक्षीय युद्ध प्रशिक्षण अभ्यास ऑस्ट्रेलिया हिंद 22 आज से राजस्थान में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में शुरू हो गया है। आपको बताएं यह अभ्यास 11 दिसंबर तक चलेगा। तो ही साथ में जानकारी दें, ऑस्ट्रेलिया दल जिसमें द्वितीय श्रेणी की 13वीं ब्रिगेड की सैनिक शामिल है अभ्यास स्थल पर पहुंच गए हैं। तो वही ऑस्ट्रेलिया हिंद भारत और ऑस्ट्रेलिया में वैकल्पिक रूप से आयोजित होने वाले वार्षिक कार्यक्रम है। तो वही अभ्यास का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्रीय शांति प्रवर्तन शासनादेश के तहत अर्ध रेगिस्तानी इलाके में बहु डोमेन संचालक करते हुए सकारात्मक सैन्य संबंध बनाना है, एक दूसरे की सर्वोत्तम प्रथाओं को आत्मसात करना और एक साथ काम करने की क्षमता को बढ़ावा देना है। बटालियन स्तर पर दुर्घटना प्रबंधन, निकासी और रसद की योजना के अलावा उच्च स्तर की स्थिति जन्य जागरूक प्राप्त करने के लिए स्नाइपाइड राइफल्स और निगरानी और संचार उपकरणों सहित अगली पीढ़ी के उपकरण और विशेषज्ञ हथियारों के साथ प्रशिक्षण की भी योजना है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ बीकानेर के ब्यूरो चीफ के सिंह फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी के, देखिए बीकानेर से एक खबर सामने आई है जहां पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में साथ ही में जो दोनों सेनाएं हैं युद्ध अभ्यास करेगी, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? जी देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि एशिया का सबसे बड़ा महाजन फील्ड फायरिंग रेंज है जो कि बीकानेर जिले में स्थित है, लूणकरनसर तहसील में। यहाँ पर आज से युद्धाभ्यास से शुरू होने वाला है और अब से थोड़ी ही देर बाद ये शुरू हो जाएगा। अब इसमें इस बार की खास बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया की सेना पहली बार राजस्थान की इस धरती पर अपना रण कौशल दिखाएगी, जो कि भारतीय सेना के साथ मिलकर अस्ट्रा हिंद के नाम से इस युद्ध अभ्यास को नाम दिया गया है और जॉइंट ऑपरेशन के नाम पर ये काम होगा। और एक तरह से अत्याधुनिक हथियारों के साथ ये पहली बार ऐसा दोनों ही देशों के संयुक्त युद्ध अभ्यास होना है। लगभग आपको बताना चाहूंगा कि 11 दिसंबर तक यानी लगभग 14 दिनों तक ये युद्ध अभ्यास चलेगा और ऑस्ट्रेलिया सेना की सेकेंड डिविजन की 13वीं ब्रिगेड के सैनिक अपने हथियारों सहित अभ्यास स्थल पर पहुंच चुके हैं और अब से थोड़ी ही देर बाद माना जा रहा है कि युद्ध अभ्यास शुरू हो जाएगा। भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व डोगरा रेजिमेंट के सैनिक कर रहे हैं। वहीं अस्ट्रा हिंद एक वार्षिक अभ्यास होगा जो भारत और ऑस्ट्रेलिया में बारी बारी से आयोजित किया जाएगा, यानी इस बार भारत में यह युद्ध अभ्यास हो रहा है जो कि महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में हो रहा है। अगले वर्ष ऐसा माना जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में यह आयोजन होना है। वहीं रक्षा प्रवक्ता अमिताभ शर्मा के अनुसार अगर युद्ध अभ्यास का उद्देश्य सकारात्मक सैन्य संबंध बनाना और एक दूसरे की तकनीक को समझना और जानना होगा, वहीं संयुक्त राष्ट्र शांति प्रवर्तन शासनादेश के तहत रेगिस्तानी इलाके में बहु डोमेन संचालन करते हुए एक साथ काम करने की क्षमता को भी बढ़ावा देना माना जा रहा है। यह युद्धाभ्यास दोनों ही सेनाओं को शत्रुतापूर्ण खतरों को बेअसर करने के लिए एक बड़ा कदम माना जा सकता है। वहीं प्लाटून स्तर पर सामरिक संचालन भी बड़ा मामला माना जा सकता है। जी जी के देखिए, जिस तरह से भारत की सेना और ऑस्ट्रेलिया की सेना साथ में युद्ध अभ्यास करेगी, इससे जाहिर तौर पर देखा जा सकता है कि दोनों देशों के बीच के जो संबंध है और भी ज्यादा मजबूत हो जाएंगे, किस तरह से देखते हैं? जी देखिए, बिल्कुल बात सही है कि दोनों ही देशों के बीच संबंध बिल्कुल मजबूत होंगे क्योंकि भारतीय सेना है और ऑस्ट्रेलिया सेना है। जब संयुक्त युद्ध अभ्यास जैसे करेगी तो इसमें संबंध अच्छा होना तय माना जा रहा। वहीं सबसे बड़ी बात यह है कि एक ऑस्ट्रेलिया की सेना के पास तकनीक किस तरह की है, तो तकनीक के बारे में भी भारतीय सैनिक हैं जो जान पाएंगे। तो वहीं रेगिस्तानी इलाकों में भारतीय सेना किस तरह से युद्ध लड़ती है, किस तरह की तकनीकें भारतीय सेना, चूंकि भारतीय सेना देश दुनिया में जानी मानी पावरफुल सेनाओं में से एक माना जा सकता है। खासतौर पर थल सेना की बात करें और वायु सेना की बात करें तो बड़ा एक तरह से हमारे पास जखीरा अमला भारत में सेना का जबरदस्त है और बहुत पावरफुल सेनाओं में से एक है।
तो निश्चित रूप से भारत के मुकाबले ऑस्ट्रेलिया ये चाहेगा कि अपनी जो सेना यहाँ पर भेजने और उनकी जो टीम यहाँ पर रहेगी, तो कहीं ना कहीं सेना की टीम भारतीय चीजों को जानने का प्रयास करेगी और कहीं ना कहीं मजबूत व्यवस्थाएं बनने की उम्मीद की जा रही है। जी जी के आपको बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।